हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेज नंबर 25 पर आपको एडिंग जीरो एंड सब्ट्रैक्टिंग जीरो कहा गया है। कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थ्री एप्पल्स इन वन डिश, नन इन द अदर, यानी आपको यहाँ पर एक डिश में, एक प्लेट में आपको थ्री एप्पल्स दिए गए हैं और सेकेंड वाली डिश में नन यानी कुछ नहीं दिया गया है। ओनली थ्री एप्पल्स इन ऑल, तो यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है कि ये थ्री है और यहाँ पर जीरो है, कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली सिंपल बात है बच्चों, अगर आपके पास एक हैंड में थ्री चॉकलेट है और दूसरे हैंड में कोई भी चॉकलेट नहीं है, तो आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट हुई? टोटल थ्री चॉकलेट ही हुई। जीरो यानी कुछ नहीं होता है, यही आपको यहाँ पर समझाया गया है। देखो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में भी वही कहा गया है। रमा हैज़ टू एप्पल्स, दो एप्पल इसके पास हैं। हर लिटिल सिस्टर लव एप्पल्स, उसकी जो छोटी सिस्टर है उसको एप्पल बहुत अच्छे लगते हैं। सो शी केप्ट बोथ फॉर हर, तो दोनों एप्पल उसने अपनी सिस्टर के लिए रख लिए। शी डिड नॉट ईट एनी, तो उसने कोई भी एप्पल को ईट नहीं किया। तो दो एप्पल थे, दोनों रखे और यहाँ पर सेकेंड वाली डिश में जीरो है। जीरो यानी कुछ भी नहीं होता है। तो दोनों एप्पल उसने वैसे ही रखे, तो लास्ट में कितने एप्पल बचे? टू ही बचेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि जीरो में आप कोई भी नंबर को या डिजिट को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही केसेस में आपको सेम डिजिट ही मिलेगा जब आप जीरो से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो यहाँ पर वही कहा गया, इफ जीरो इज एडेड टू एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर अगेन, वी गेट द सेम रिजल्ट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है राइट द प्रॉपर नंबर इन ईच एम्प्टी बॉक्सेस। टू के साथ में आप अगर जीरो को प्लस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? टू ही मिलेगा। फोर प्लस जीरो फोर होगा, सेवन प्लस जीरो भी सेवन होगा। तो जो भी नंबर या डिजिट आप ऐड कर रहे हो जीरो में, आपको सेम वही नंबर या वही डिजिट आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो 19 प्लस जीरो कितना होगा? 19 ही होगा। नेक्स्ट 27 प्लस जीरो 27 ही होगा। नेक्स्ट 65 प्लस जीरो अगेन 65 ही मिलेगा आपको। 78 प्लस जीरो 78 होगा। अब यहाँ पर 0 प्लस जीरो क्या होगा? ज़ीरो ही होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। 6 प्लस कितना, तो आपको आंसर 6 मिलेगा। 0, 6 प्लस जीरो 6 होता है। अभी हमने देखा ना, देखो 7 प्लस जीरो 7 आया था, वैसे ही यहाँ पर डायरेक्टली आपको 6 कहा, तो किसके साथ में आप प्लस करोगे तो 6 मिलेगा? 0 के साथ। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों, 3 माइनस जीरो क्या होगा? 3 होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि अगर आप ऐड करोगे तो भी आपको वही नंबर या डिजिट मिलेगा, माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको वही डिजिट मिलेगा। नेक्स्ट आपको कहा गया है 5 माइनस जीरो तो 5 ही मिलेगा। 8 माइनस जीरो भी 8 ही होगा। 11 माइनस जीरो 11, 19 माइनस जीरो 19, 23 माइनस जीरो 23, 55 ही मिलेगा। 82 माइनस करोगे तो आंसर आपको 82 ही आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ज़ीरो। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 17 डायरेक्टली, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ तो मुझे आंसर 17 मिलेगा? ज़ीरो तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो 17 माइनस ज़ीरो मेरा आंसर मिलेगा 17। तो आया समझ में? इस तरीके से आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, जो मैंने समझाया वो आपको ईजिली समझ आ गया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।